एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपके बीच में आया। मैंने अपना जीवन कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया। एनएसयूआई का मैं गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में सीआर रहा, फिर गवर्नमेंट कॉलेज शिमला का जनरल सेक्रेटरी रहा और फिर गवर्नमेंट कॉलेज शिमला और कोटशिला की शुरुआत हुई थी, मैं दोनों जगह प्रेजेंट रहा। एनएसयूआई का मैं प्रतिनिधित्व करते करते राज्य एनएसयूआई का अध्यक्ष बना और राज्य एनएसयूआई का अध्यक्ष होते होते मैं शिमला नगर निगम के छोटा शिमला वार्ड से पार्षद बना। मेरे मेयर हदसू जी थे और मैं इनका काउंसलर था। सोलार जी हमारे मेयर हुआ करते थे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपको, फिर उसके बाद मैं युवा कांग्रेस के पद पर आसीन हुआ और युवा कांग्रेस का मैं जब अध्यक्ष था, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी से के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और हम मिलकर आगे काम करते रहे। फिर जब मैं अध्यक्ष था युवा कांग्रेस का तो मुझे विधायक बनने का मौका मिला और मैं नदौन से विधायक चुनकर 2003 में एक कार्यकर्ता के रूप में विधायक के रूप में हिमाचल प्रदेश विधानसभा पहुंचा। और उसके बाद मुझे जब मैं चुनाव हार गया, इस महान कांग्रेस पार्टी ने 25 दिसंबर 2013 को माननीय श्री लेट श्री वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उससे पहले वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। 15 दिन के भीतर इस महान पार्टी ने मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया और उसके बाद मैं विधायक बना और विधायक बनने के बाद जब इस बार का चुनाव हुआ, मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रचार कमेटी का जिम्मेवारी मुझे मिली, जो कि पहले कंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में श्री वीरभद्र सिंह जी के पास होती थी। जब वो हमको छोड़कर चले गए तो ये जिम्मेवारी मुझे मिली और आज जब चुनाव संपन्न हुए, चुनावों से पहले भी हम अपने कांग्रेस भवन में हमेशा बातें करते थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान किया जाएगा। मुझे सीआर से लेकर चीफ मिनिस्टर का मौका इस महान कांग्रेस पार्टी ने दिया। एनएसयूआई के संगठन से लेकर युवा कांग्रेस के संगठन से लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन से लेकर सत्ता का रास्ता इस संगठन ने दिया। ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है कि एक साधारण कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता, जिसके परिवार में कोई राजनीतिक जीवन से जुड़ा नहीं था, वो आज एक मुख्यमंत्री के तौर पर अपने प्रिय कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा हूं। मैं कार्यकर्ताओं का दर्द जानता हूं, मैं कार्यकर्ताओं की पीड़ा भी जानता हूं। थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि अभी हमारी सरकार को बने हुए 20 ही दिन हुए हैं। समय के अनुसार हमारा मंत्रिपरिषद का गठन होगा और मंत्रिपरिषद के साथ कुछ और स्थानों पर भी गठन होगा। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि सभी जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे, सभी जो जिम्मेवारी जिन विधायकों को मिलेगी, वो कार्यकर्ताओं का पूरा मान सम्मान रखेंगे। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, आज संगठन से निकले इतने व्यक्ति है, एनएसयूआई की स्टेट प्रेसिडेंट, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जी हमारे संगठन से निकले हैं, इंदर दत्त रखनपाल जी सेवा दल का अध्यक्ष होते हुए हमारे संगठन से निकले हैं, अनुरुद्ध सिंह जी युवा कांग्रेस की राजनीति से आगे बढ़ते बढ़ते आज हमारे संगठन से निकले हैं, सुरेश कुमार जी
जो जिन्होंने 35,000 बार भोरा सीट पर कांग्रेस का झंडा लहराया है, छात्र जीवन में मेरे साथ ऐसे ऐसे मिलते हैं, संजय बस्ती जी जो कि ये कॉलेज में साथ थे, एनएसए की परिक्रमा से आगे आके आज संगठन से निकलकर दूसरी बार अड़की से विधायक बने हैं, केवल सिंह पठानिया जी जो एनएसए के अध्यक्ष से नेशनल महासचिव हुए, संघर्ष किया और 35 साल बाद ये भी उस विधानसभा क्षेत्र को जीतकर कांग्रेस का उस विधानसभा क्षेत्र में झंडा फहराकर आज विधानसभा पहुंचे हैं, जो कि बहुत खुशी की बात है। हमारे अजय सोलंकी जी जो कि गोरखनाथ में पढ़ते थे, एनएसएस की पृष्ठभूमि से राजनीति करते करते और एक दिग्गज नेता को डिस्ट्रिक्ट एनएसए के प्रेसिडेंट रहे, स्टेट के जनरल सेक्रेटरी रहे, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे और एक दिग्गज राजीव बिंदल जी को हरा कर आज ये विधानसभा में पहुंचे। हमारे राम कुमार जी जो कि दून से थे, यूनिवर्सिटी में कैंपस के हमारे जनरल सेक्रेटरी एनएसए के होते थे, आज ये भी संघर्ष करके हमारे विधानसभा पहुंचे हैं। विनोद सुल्तानपुरी जी जो कि युवा कांग्रेस की राजनीति से पहुंचे, 15 साल इन्होंने संघर्ष किया और कसौली विधानसभा क्षेत्र से शिक्षा हेल्थ मिनिस्टर को इन्होंने चुनाव हराया। भुवनेश्वर गौर जी युवा कांग्रेस की राजनीति से चलते चलते 15 साल बाद मनाली से कांग्रेस का झंडा टहर। हमारे धविंदर भुट्टो जी जो कि हमारी विचारधारा में आए, इन्होंने भी 35 साल से कुटलाया विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया। हमारे सुनील शर्मा भुट्टो जी जो युवा कांग्रेस में मेरे पॉलिटिकल एडवाइजर थे, अब सरकार में पॉलिटिकल एडवाइजर हो रहा है, ये भी संगठन की राजनीति से पहुंचे। श्री नरेश चौहान जी जो कि एक किस्सा मैं नरेश चौहान जी के मामले में सुनाना चाहूंगा। नरेश चौहान जी और हमने इकट्ठा चुनाव लड़ा है गवर्नमेंट कॉलेज का, और उस चुनाव में नरेश चौहान जी ने मेरे खिलाफ प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और वो प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं जीत सके, मैंने वो चुनाव जीता, तो वो भी अभी हमारे मीडिया एडवाइजर बने हैं। और हमारे सभी संगठन के हिमाचल हाई कोर्ट का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एजी के रूप में, वो एनएसवी की राजनीति से आगे बढ़े, सभी संगठन के लोगों को हम आगे ला रहे हैं। समय दीजिए, जितने कार्यकर्ता बैठे हैं आपका दुख भी हम दूर करेंगे, इंतजार कीजिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है, तो ये वो महान पार्टी है जो समय आने पर सबको मौका देती है। विचारों की भिन्नता आपस में हमारे नेताओं में हो सकती है, कार्यकर्ताओं में विचारों की भिन्नता नहीं हो सकती, और इस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं। आप घबराइए मत, अच्छा वक्त आपका भी शुरू होना है, 2-3 महीने हमें सेटल होने दीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो गवर्नेंस नाम की प्रदेश में चीज नहीं रखी थी, उसको ठीक करने में अभी समय लगेगा, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान हम पूरा करेंगे। मुझे जैसे ही पता लगा, मैडम प्रतिभा जी का भी पता लगा, तो हमने कहा कि पहले हम कांग्रेस का ऑफिस जाएंगे, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री बाद में हूं, पहले मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हमारी अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, उनका एक सक्रिय सदस्य हूं, जो कि मैं आगे करूंगा। पहले मैं इनके अंदर हूं, विधायक उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री में वो जनता का हूं, तो मैं कांग्रेस पार्टी में तो आपके अधीन हूं, तभी ये प्रोटोकॉल का जो सिस्टम है तो इस ढंग से चलता है। इसमें तो ये एक परंपरा है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये एक परंपरा है, एक मान सम्मान होता है, हर कुर्सी का एक गरिमा होती है, हम सब लोगों को उस गरिमा को भूल बनाए रखना है। विश्वास कीजिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पारदर्शी सरकार लाएगी, विश्वास कीजिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ईमानदार सरकार लाएगी, विश्वास कीजिए कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में
आम आदमी की सरकार लाएगी, गरीब की सरकार लाएगी। हमने काम करना शुरू कर दिया, कुछ चीजें हमारी बजट में नजर आएगी, स्कीम बेस्ड योजनाएं आएगी। मैंने कहा है कि हम सत्ता सत्ता के लिए नहीं आए, हम सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, और इस व्यवस्था में परिवर्तन हमने शुरू कर दिया। सोलिडेट सेक्शन वोट, जहां हजारों युवाओं की आंखें लगी रहती थी कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी जब नौकरी मिलेगी तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सकता। 12 दिसंबर को हमने एक SIT का गठन किया, कहा कि जो अभी 25 दिसंबर को एग्जाम होना है, जो पेपर लीक घोटाला करने वाले, जो भर्ती घोटाला के जो लोग हैं, वो पेपर से 2-3 दिन पहले सक्रिय होंगे। पहले नहीं दे सकते ना, सक्रिय 2-3 दिन पहले होंगे, उस पर नजर रखी जाए। और मैं पुलिस विभाग को मुबारकबाद देना चाहूंगा, उन्होंने नजर रखी और हमारी गिरफ्त में वो लोग आए जो पिछले कई सालों से इस प्रकार के भर्ती घोटाले में सम्मिलित थे, लोगों को पेपर बेचते थे, उनसे पैसे लेते थे और उनको रोजगार उपलब्ध करवाते थे। ये धोखा उन युवाओं के साथ हुआ जो दिन रात मेहनत करके एक सपना सजाए बैठे थे कि कल को अगर मेरी सरकारी नौकरी में रिजल्ट निकलेगा तो मैं सरकार की रोजगार करूंगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये पिछली 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की ये काली करतूत अब सामने आने वाली है। यही नहीं, 1 जनवरी 2023 को जो पेपर होना था उसके पेपर भी लीक हो चुके थे, वो भी उनके पास पड़े हुए थे। एक कंप्यूटर का ऑपरेटर के टेस्ट होने थे, उनके तिथियां भी घोषित थी, वो भी पेपर उनके पास मिले। तो आप क्या समझते हैं, ये जो पेपर घोटाले फर्जी घोटाले में कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला होगा? पुलिस भर्ती घोटाला हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, कहा हमने दोबारा पुलिस भर्ती के पेपर करवा दिए। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो ये भर्ती घोटाला है, इसमें पिछली सरकार का राजनीतिक संरक्षण था, जिसके कारण युवाओं को धोखा दिया गया। हमने फैसला किया कि अभी कोई पेपर हम नहीं करने जा रहे, हम 1 साल के अंदर सभी भर्तियों को पूरा करेंगे। 7 दिन के अंदर हम नया ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेकर आ रहे हैं और 7 दिन के बाद हमारी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कुछ भर्ती प्रक्रियाओं के कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके एग्जाम हो चुके हैं, उस संदर्भ में भी हमने फैसला किया कि इसमें भी देखा जाए, कहीं ऐसे लोग तो नहीं सिलेक्ट हो रहे कि उन्होंने वो पेपर भी खरीद रखे हैं। उस दृष्टिकोण से ऐसे भी इसकी जांच कर रही है। तो जब जो लोग राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करते हैं, वो लोग इस प्रकार के घोटाले करने में सम्मिलित पाए जाते हैं। और ये देखिए, विडंबना देखिए कि जो हमारे भर्ती वाले, चाहे सोलिडेट सेक्शन बोर्ड है, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें जो कर्मचारी लग जाता है वो 35 साल तक उसी में रहता है, कोई कैडर नहीं है। और बड़े दुख की बात है कि 35 साल में सारी जो उसकी जांच है, वो सारे किस प्रकार से पेपर होना, कहां पेपर चढ़ना, वो सब सूचना उसके पास होती है। अब जब सब सूचना होगी और इस प्रकार की सूचनाओं को वो अपने किसी साथी को भेजेगा, तो आप बताइए हिमाचल के युवाओं के साथ कहां न्याय हो रहा है? हमने फैसला किया, मैंने नीतिगत फैसला किया कि इसको आप सस्पेंड कर दीजिए। कई प्रकार की बातें उठी और हमने आगे ये फैसला किया है, जो भी इसमें दोषी होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। और मैं ये भी फैसला हम करने जा रहे हैं कि जो कर्मचारी सोलिडेट सेक्शन बोर्ड में लगे हैं, उनमें कुछ तो अच्छे हो सकते हैं,
लेकिन जब उंगली उठ जाती है तो सब पर शक की निगाहें चली जाती है। हम सब दृष्टिकोण से सब चीजों को देख रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने अभी फैसला किया है, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो कांग्रेस पार्टी से जो जुड़े हुए व्यक्ति है, उन सबको पार्टी में और सरकार में अधिमान दिया जाएगा। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। और आज कांग्रेस सेवा दल के भी 99 वर्ष पूरे हो चुके हैं और शताब्दी वर्ष शुरू हुआ है। राज शर्मा जी का मैंने नाम ले लिया, आज आपका सेवा दल के हमारे चीफ युवा कांग्रेस चीफ अरुण शर्मा जी, मैं प्रेसिडेंट था, ये मेरे बहन का जन्म से टीवी रहा हूँ, मेरे साथ यहाँ खड़े हैं महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्षा, सभी को मैं सम्मानित करते हुए इस शब्द के साथ संगठन का जो भी आदेश मैडम प्रतिभा सिंह जी का होगा उनको हम मानेंगे, आगे भी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सरकार और संगठन आपसी तालमेल से जो भ्रष्टाचार भर्ती घोटाले में हुआ है या कहीं और हुआ है, उस लड़ाई को हम मिलकर लड़ेंगे, एक एकजुटता से लड़ेंगे और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम आपकी भावनाओं के अनुरूप कार्य करेंगे, हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य करेंगे, गरीब आदमी और आम आदमी की भावनाओं के अनुरूप कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज कांग्रेस के इस स्थापना दिवस में अपने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं, भाई बहनों, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री महोदय का जो संबोधन था, कार्यकर्ता आपसे आशान्वित थे और इस भाषण के बाद निश्चित रूप से आश्वस्त थे कि आप जो है उनका पूरा मान सम्मान रखेंगे। अब मैं बड़े आदर के साथ निवेदन करूंगा हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से अपना जो है आशीर्वाद करूँ। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी, हमारे मंच में बैठे प्रोफेसर चंद्र कुमार जी और सभी